नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं 21 से 24 फरवरी के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। अंतिम राशि लेते हैं मीन राशि यानी पाइसिस। मीन राशि 21 फरवरी के दिन आप काफी ज्यादा संतुलित व्यक्ति रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय दूरगामी परिणाम तो लेकर के आएंगे, साथ ही साथ काफी कठोर और सशक्त भी हो सकते हैं। इस दिन आप अपने व्यक्तित्व में एक ऐसा परिवर्तन महसूस करेंगे जिसकी वजह से आपके अंदर साहस की वृद्धि होगी और साथ ही साथ धैर्य की भी वृद्धि होगी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो इस दो परिवर्तन को कंटिन्यू कर सकते हैं अपने लाइफ में। 21 फरवरी को समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के अच्छे संयोग हैं, साथ ही साथ यश प्राप्त होने के भी संयोग बन रहे हैं। इन दोनों चीज़ों के अलावा 21 फरवरी व्यावसायिक मामलों में भी आपको सफलता दिलाएगा। 22 फरवरी का दिन एक प्रकार के सेलिब्रेशन का दिन हो सकता है। इस दिन आप काफी प्रसन्न रहेंगे। आपका कोई कार्य पूर्ण हो सकता है जिसकी प्रसन्नता आपको हो, या कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है जिसकी प्रसन्नता आपको सारे दिन फील होती रहे। इस दिन आपके सानिध्य में संपर्क में आने वाले लोग भी प्रसन्न रहेंगे, परिवार के साथ बढ़िया समय बिताएंगे। अपने लवर के साथ, अब आपका जो लवर है वो आपकी प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी कोई भी हो सकते हैं, तो अपने लवर के साथ भी इस दिन को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे ही संयोग बने हुए हैं। किसी भी नए कार्य में हाथ डालने के लिए दिन अच्छा नहीं है, लेकिन शुरुआत करनी हो तो आप कर सकते हैं, उसके लिए बुरा दिन भी नहीं है। इस दिन को सेलिब्रेशन में ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने आप में इंजॉय करें, यही आपके लिए बढ़िया रहेगा। 23 फरवरी का दिन कुछ नई ऊर्जाओं के साथ, कुछ नई उम्मीदों के साथ आपके जीवन में आ रहा है। इस दिन आप एक नए लक्ष्य को स्थापित कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें इसके बारे में पूरी योजना बनाने का कार्य कर सकते हैं। 23 फरवरी को समाज में अपनी प्रतिष्ठा नए सिरे से बनाने की दिशा में आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में पहला स्टेप पूरा हो सकता है, और साथ ही साथ व्यापारिक मामलों में और कार्य क्षेत्र के मामलों में आप जो भी कदम उठाएंगे 23 तारीख को, वो आपके लिए स्वयं के लिए काफी हितकारी रहने की संभावना है। 24 फरवरी के दिन आप द्विपक्षीय समस्या का शिकार भी हो सकते हैं और एक उलझन की स्थिति आ सकती है। इस दिन आपके सामने सत्य असत्य जैसी सिचुएशन आ सकती है, यानी सत्य की ओर जाएं या असत्य की ओर जाएं। अगर सिचुएशन ऐसी आती है जो दुविधाजनक है, जिसमें आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो सत्य का साथ दें, सात्विक रहें। किसी भी गलत निर्णय को लेना, किसी भी ऐसे व्यक्ति का साथ देना जो सत्य के बिल्कुल विरुद्ध है, आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस दिन आप जितना ज़्यादा धर्म की ओर झुकेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें फायदेमंद होंगी। हो सकता है अधर्म आपको ज़्यादा आकर्षित करे, हो सकता है स्वार्थ आपको ज़्यादा आकर्षित करे क्योंकि वहाँ फायदा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इस दिन स्वार्थ रहित होना और धर्म की ओर झुकना आपके लिए फायदेमंद होगा, जो कि भविष्य में आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ 24 फरवरी एक ऐसा दिन है जब आप अपने कार्यों में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने का प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप धर्म के साथ हैं, सत्य के साथ हैं, तो आपकी जीत की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर अधर्म के साथ हैं तो जीत की संभावना कम हो जाएगी। ओवरऑल इन चारों दिनों में प्रेम संबंधों के लिए तो चारों दिन बढ़िया है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के लिए भी चारों दिन बढ़िया है, लेकिन व्यवसाय की दृष्टि से 24 तारीख बढ़िया दिन नहीं है, बाकी तीनों दिन अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 21 से 24 फरवरी के लिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।